1947 में जब भारत में जो रजवाड़े थे उन रजवाड़ों को भारत का हिस्सा बनाना और उन रजवाड़ों को अंग्रेजों से दूर करना और उन रजवाड़ों को रोकना कि वो जिना के प्रोग्राम में न फंसे, बड़ा मुश्किल काम था। और ये काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन। अरे आप जानते हैं इतिहास में बहुत कुछ है, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये जरूर बताता हूं कि कौन कैसे थे वो रजवाड़े, जिन रजवाड़ों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने धमकाया भी, डराया भी, और प्यार से जो माना उसको प्यार से लाया, और जो प्यार से नहीं माना उसे जरा समझा बुझा के, डरा धमका के कहा कि भारत भारत का हिस्सा बनना है तो जो दे रहे हैं चुपचाप करके दो। क्या गाड़ियां उस जमाने में 1947 में 157 गाड़ियां उनके पास, और उनकी जो धर्मपत्नी थी 1700 साड़ियां थी उनके पास, 1700 साड़ियां थी, और एक एक साड़ी बहुत महंगी। अब लाखों रुपए के हिसाब से दाम तो लगाई नहीं जा सकते, क्योंकि आज का जमाना अलग वो जमाना अलग। नवाब जूनागढ़ के आप देखिए किस तरह के लोग थे। जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने 21,000 पाउंड खर्च किए अपने दो कुत्तों की शादी के ऊपर, और अगर आप 21,000 पाउंड को आज की रकम में तब्दील करेंगे तो लगभग 22-23 लाख रुपया खर्च किया दो कुत्तों की शादी के ऊपर। शौक, नवाबी शौक। उसके बाद जो पटियाला के महाराजा थे वो लंदन के सेवॉय होटल में गए, 30 के 30 सूट जो उनके पांचवें फ्लोर पर थे वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए, और उसके बाद हुक्म दिया 3,000 लाल गुलाब रोज हमारे कमरे में आने चाहिए। 3,000 लाल गुलाब रोज जूनागढ़ के नवाब के कमरे में, माफ कीजिएगा, पटियाला के जो महाराजा हैं उनके कमरे में आने चाहिए। पटियाला के जो महाराजा हैं वो लंदन के सेवॉय होटल में गए, 35 कमरे बुक किए, सारे सूट ठीक है, और उसके बाद कहा कि हर दिन आपको 3,000 लाल गुलाब लाने हैं मेरा कमरा डेकोरेट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो निजाम थे हैदराबाद के, उन्हें देखा होगा कि उसके पास एक 185 कैरेट का जैकब डायमंड था। कितने कैरेट का? 185 कैरेट का जैकब डायमंड। जैकब डायमंड का मतलब जो कोहेनूर है उससे भी बड़ा हीरा था, ठीक है, वो उसके पास था। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी और कहानियां हैं इनकी। एक सिसिल होटल शिमला में एक जर्नलिस्ट पत्रकार थे अंग्रेजी, वहां पे अली नवाज खान थे, अली नवाज खान मीरपुर थे, मीर थे खैरपुर के, वहां रात को डिनर कर रहे थे, ठीक है। अब इनके बारे में कहा जाता है कि उनकी एक प्राइवेट आर्मी भी थी, और आर्मी नहीं थी बल्कि खान साहब के शौक भी खानों वाले थे, खान साहब के शौक भी कमाल थे, खान साहब की 40 बीवियां थी, और अपने लोगों को खान साहब ये कहते थे कि गांधी के खिलाफ खड़े हो जाओ, ये जो आजादी आजादी की तहरीक है इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, ये भी एक राजा थे। उसके बाद एक और था निजाम। सर इसमें से बेस्ट कौन सा लगा? बिगी चालिया भी भियाला। मुझे लगा कौन सा लगा? दो कुत्तों की शादी का। अच्छा कुत्ते ने जेडी उन्हें शादी करवाई वो कोदे ने करवाई? कुत्ते की कुत्ते दो कुत्तों की आपस में सर तभी तो दो कुत्तों की शादी करेंगे तो एक कुत्ते की कराता ना। कुत्ते ही पता हमें सारी शादी हुआ दी है सर, इतना खर्चा की है पता नहीं होने। ता लोग आखते नवाबे दे शौक भी नवाबे वाले लखनऊ की कौन सी फिरदौस है जिसे हम नवाब नहीं जानते? सोचो मुझे बताओ, अगर राजा साहब ने किया होता गली गली जाके मेरे कुत्ते के लिए दुल्हन ढूंढो। इतना खर्चा कर रहे हैं तो कोई दुल्हन भी मॉडर्न ढूंढ के लानी थी। इसा वास्ता ते लोहा पुरुष जेड़े है सरदार पटेल, इस वास्ता ने जिन्हें भी राजवाड़े होने की राजशाही अदू खत्म हुई है ना। लेकिन ये जो 3,000 गुलाब के फूल वाले हैं महाराजा पटियाला, बड़ी बड़ी मसाला नहीं हर दिन 3,000 गुलाब के फूल,
मुझे बताओ सर, गुलाब के फूल उगने में भी तो टाइम लगता होगा, उस इलाके को तो फूल ही खत्म हो जाते होंगे। ता कोहना खवान पाएदा है, राजे दी फौज ते फकीर दी मौज, इहदा कोई मुकाबला नहीं। लेकिन इनमें से किसी ने भी अपनी फौज का ख्याल नहीं रखा, सबने अपने शौकों का ख्याल रखा। जे फौज का ख्याल रखेगा तो राजे नहीं रोंदे अजे तक।